लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया शर्मा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। अयोध्या जिले में 23 नवंबर 2007 को हुए कचहरी सीरियल ब्लास्ट के आरोपी आतंकियों पर आज विशेष कोर्ट SC ST फैसला सुनाएगी। इससे पहले जिला प्रशासन व पुलिस विभाग ने कचहरी की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए मॉक ड्रिल किया, जिसमें डेमो बम प्लांट किया और डेमो पिस्टल को झोले में रखकर अपने ही आदमी को कचहरी परिसर में भेजा, जिसकी सूचना सिर्फ उच्च अधिकारियों को थी। कचहरी में बम व पिस्टल की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और 35 मिनट के अंदर बम व पिस्टल बरामद किया। इस दौरान कचहरी परिसर में बचे वकीलों व कर्मचारियों में हलचल मची रही। CO CT अरविंद चौरसिया ने बम डिस्पोजल दस्ते के साथ पूरी कचहरी को सर्च किया। वहीं CO CT अरविंद चौरसिया का कहना है कि मॉक ड्रिल के माध्यम से कचहरी पुलिस की चुस्ती को देखा गया है। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। हमारे यहाँ कचहरी में बम ब्लास्ट पहले हुआ था, उसी के मद्देनज़र हम लोग हर साल लगभग एक डेमो कराते हैं। उस डेमो ड्रिल के अंतर्गत हमारी पूरी टीम तैयार रहती है और पूरी टीम परफॉर्म करती है। आज मैंने केवल कंट्रोल रूम को सूचना दी थी डेमो की और हमारे वरिष्ठ अधिकारी को सूचना थी, बाकी किसी को हमने सूचना नहीं दिया था। इसके बावजूद भी हमारी टीम ने 35 मिनट में पूरा परफॉर्मेंस किया और एक घंटे के अंदर जो भी चीज़ें यहाँ पर डमी के रूप में रखी गई थी उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हमारी सारी टीम यहाँ पे मौजूद रही और बहुत ही अच्छा उत्साहवर्धन के लिए हमने कप्तान साहब से निवेदन भी किया है कि उनको प्रशस्ति पत्र या पुरस्कार दें। कौन कौन सी टीम थी, टीम का नाम? टीम हमारी इसमें सारी ही थी, जैसे हम लोग जो डेमो कराए थे उसमें बम एक्सप्लोर टीम थी और दो पिस्टल लिए हुए थे बच्चे, उनको उनकी भी तलाशी कराई, तो सब पूरा बाकायदा विद इन टाइम हमारे सारे पुलिस वाले इसमें अच्छा काम करते हुए सबको रिकवर कर लिए। इससे बहुत खुशी महसूस हुई। प्रदेश की लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।